वेलकम, गुड मॉर्निंग ऑल डीएमएलटी स्टूडेंट। तो हिमेटोलॉजी के अंदर आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? टुडेज लेक्चर ऑन ट्यूब मेथड ऑफ फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग एंड रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग। आज का लेक्चर आपका किसके ऊपर है? हिमेटोलॉजी के अंदर। एक तो फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग के अंदर क्या है, ट्यूब मेथड जो बताया था उसके ऊपर है, और दूसरा क्या है, रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग के अंदर। रिवर्स मेथड के अंदर दो मेथड होते हैं, एक तो ट्यूब मेथड और एक स्लाइड मेथड, दोनों ही क्या है आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले अपन पीछे का लेक्चर देख लेते हैं, जो किसके ऊपर था, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग स्लाइड मेथड के ऊपर था, उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट क्या चीज है, कार्ल लैंडस्टीनर के लॉ, यानी कार्ल लैंडस्टीनर ने क्या लॉ दिए थे, यानी कौन से कानून उसने पारित किए थे जिसके अकॉर्डिंग क्या है, ब्लड ग्रुप को फोर टाइप के अंदर डिवाइड किया गया। देखिए, इफ एन एंटीजन इज प्रेजेंट इन द आरबीसी ऑफ एन इंडिविजुअल द कोरिस्पोंडिंग एंटीबॉडी मस्ट बी एब्सेंट फ्रॉम द प्लाज्मा। यानी इफ एन एंटीजन, अगर कोई एंटीजन क्या है आरबीसी की सरफेस पे क्या है, प्रेजेंट है, यानी जैसे ए एंटीजन क्या है, प्रेजेंट आरबीसी की सरफेस पे, तो द कोरिस्पोंडिंग एंटीबॉडी मस्ट बी एब्सेंट फ्रॉम द प्लाज्मा, यानी उसी की सिमिलर, कोरिस्पोंडिंग क्या है, उसी के जैसी, यानी एंटीबॉडी ए क्या होगी, एब्सेंट होगी किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। नेक्स्ट देखिए, इफ एन एंटीजन इज एब्सेंट इन द आरबीसी ऑफ एन इंडिविजुअल द कोरिस्पोंडिंग एंटीबॉडी मस्ट बी प्रेजेंट फ्रॉम द प्लाज्मा। यानी इफ एन एंटीजन इज एब्सेंट इन द आरबीसी, यानी क्या, अगर कोई एंटीजन आरबीसी की सरफेस पे एब्सेंट है इंडिविजुअली, तो दैट कोरिस्पोंडिंग यानी उसके सिमिलर एंटीबॉडी, यानी उसके जैसी एंटीबॉडी क्या है, मस्ट बी प्रेजेंट फ्रॉम द प्लाज्मा, यानी उसके जैसी एंटीबॉडी क्या होगी, प्रेजेंट होगी किसके अंदर, प्लाज्मा के अंदर। इसका एग्जाम्पल देखें तो अगर क्या है, जैसे किसी की आरबीसी की सरफेस के ऊपर अपन देखें, यानी आरबीसी की सरफेस पे कौन सा एंटीजन प्रेजेंट है, ए एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, ए एंटीजन प्रेजेंट है, तो ठीक है, उसकी सरफेस के ऊपर एंटीबॉडी कौन सी एब्सेंट होगी, ए एंटीबॉडी एब्सेंट होगी, यानी उसी के कोरिस्पोंडिंग जो एंटीबॉडी है वो क्या होगी, एब्सेंट होगी। तो नीचे देखिए एग्जाम्पल के अंदर, अगर अपन देखिए ब्लड ग्रुप का टाइप किसी का क्या है, ए है, तो उसके अंदर एग्लूटिनोजन जो है वो कौन सा होगा, ए होगा, यानी एंटीजन कैसा होगा, ए होगा। फर्स्ट का एग्जाम्पल देखिए, तो ए के सिमिलर जो एंटीबॉडी है वो क्या होगी, एब्सेंट होगी, यानी एंटीबॉडी की बी जो है, एंटीबॉडी ए जो है वो एब्सेंट होगी, एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट होगी प्लाज्मा के अंदर, एंटीबॉडी बी प्रेजेंट होगी। और इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देखिए, इफ एन एंटीजन इज एब्सेंट ऑन द आरबीसी सरफेस, यानी एंटीजन क्या है, जैसे बी सरफेस, बी क्या है, एब्सेंट है ये ब्लड ग्रुप में, तो उसी के सिमिलर क्या है, कोरिस्पोंडिंग एंटीबॉडी क्या है, प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होगी, यानी एंटीबॉडी बी प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होगी। तो यही क्या है, इसी के अकॉर्डिंग क्या है, चार ब्लड ग्रुप का टाइप डिवाइडेशन किया गया, जैसे ए ब्लड ग्रुप है उसमें एंटीजन क्या है, ए है, जबकि एंटीबॉडी क्या है, बी है, बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें एंटीजन क्या है, बी है, जबकि एंटीबॉडी क्या है, ए है, और जैसे ए बी ब्लड ग्रुप है तो उसमें एग्लूटिनोजन यानी एंटीजन क्या है, ए और बी है, जबकि एंटीबॉडी क्या है, एब्सेंट है, और चौथा जो टाइप है ब्लड ग्रुप का, ओ, जिसके अंदर एंटीजन क्या है, एब्सेंट है, लेकिन एंटीबॉडी क्या है, ए और बी दोनों प्रेजेंट है। ये क्या है, कार्ल लैंडस्टीनर के लॉ। देखिए मेथड्स ऑफ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के कितने मेथड हैं, किस तरीके से अपन क्या एबीओ ब्लड ग्रुपिंग को डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग मस्ट बी डन एट रूम टेम्परेचर, यानी एबीओ जो ब्लड ग्रुपिंग है उसको किस तरीके से, किसके ऊपर करते हैं अपन, रूम टेम्परेचर के ऊपर करते हैं। द एबीओ एंटीसीरा यानी प्रिपेयरली जो एंटीबॉडीज है, रिएजेंट आर स्टोर्ड एट 2 to 6 डिग्री सेल्सियस, यानी प्रिपेयरली जो एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के लिए जो अपने एंटीबॉडी तैयार किए, रेडीमेड जो एंटीबॉडीज आती है उनको किसके ऊपर स्टोर करते हैं, यानी प्रिजर्व रखते हैं, अपन बताए रखते हैं, तो 2 to 6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर उनको स्टोर करते हैं। नेक्स्ट, रिजल्ट शुड बी रिकॉर्डेड आफ्टर ऑब्जर्वेशन, ये जो रिजल्ट है उसको किसके बाद ऑब्जर्व करते हैं अपन, यानी क्या है कि ऑब्जर्वेशन के बाद रिजल्ट को ऑब्जर्व करते हैं। नेक्स्ट, ब्लड ग्रुपिंग मेथड इज ऑफ टू टाइप,
जो ब्लड ग्रुपिंग का मेथड है, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग का, वो क्या है, दो प्रकार का है। एक तो फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग, एक क्या है, रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग। सबसे पहले देखिए फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग, यानी जिसके अंदर जो एग्लूटिनेशन आती है, क्लंपिंग आती है, वही क्या रिजल्ट होता है, यानी सिमिलर समांतर जो सीधी ब्लड ग्रुपिंग होती है उसी को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग। देखिए स्लाइड मेथड है सबसे पहले, जिसके अंदर प्रिंसिपल क्या है कि आरबीसी यानी कंप्लीट ब्लड है मिक्स विद कोरिस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी, यानी जिसके अंदर पेशेंट का ब्लड क्या है पर किसके अंदर मिक्स करते हैं, यानी पेशेंट के एंटीजन जो उसकी सेल पे प्रेजेंट है वो कोरिस्पॉन्डिंग एंटीबॉडी के साथ मिक्स करके देखते हैं। If RBC have A antigen, then it will agglutinate with antibody A. यानी क्या है, पेशेंट की RBC के ऊपर अगर A antigen present है, तो वो क्या है, A antibody के साथ क्या है, agglutination show करेगा, यानी clotting show करेगा। If RBC have B antigen, then it will agglutinate with antibody B. अगर पेशेंट की RBC के ऊपर कौन सा antigen present है, B antigen present है, तो वो किसके साथ क्लोटिंग शो करेगा, बी एंटीबॉडी के साथ क्लोटिंग शो करेगा। इफ आरबीसी हैव बोथ एंटीजन, अगर पेशेंट के आरबीसी के ऊपर क्या है, ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, देन इट विल एग्लूटिनेट विद बोथ एंटीबॉडीज, यानी तो क्या है, वो दोनों एंटीबॉडीज के साथ क्या है, क्लोटिंग शो करेगा, ए और बी के साथ। इफ आरबीसी हैव नॉट बोथ एंटीजन, अगर आरबीसी के सरफेस पे क्या है, पेशेंट की आरबीसी की सरफेस जो है उसके ऊपर ए और बी दोनों ही प्रकार के एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, देन इट विल नॉट एग्लूटिनेट, तो क्या है, वो क्लोटिंग शो नहीं करेगा, यानी थक्का नहीं बनाएगा, एग्लूटिनेशन नहीं शो करेगा विद एंटीबॉडी ए और बी, यानी जो प्रिपेयर एंटीबॉडी है ए और बी दोनों के साथ ही क्या है, क्लोटिंग शो नहीं करेगा। नेक्स्ट देखिए इक्विपमेंट्स कौन से काम में लेते हैं अपन, तो ग्लास स्लाइड को काम में लेते हैं, टेस्ट ट्यूब को काम में लेते हैं, मिक्सिंग स्टेक को काम में लेते हैं, एंटी सिरा ए यानी ब्लू जो कलर की है यानी प्रिपेयर जो एंटीबॉडी उनको काम में लेते हैं, प्रिपेयर एंटीबॉडी बी जो है येलो कलर की उनको भी काम में लेते हैं। प्रोसीजर में देखिए कि टेक ए क्लीन ग्लास स्लाइड, पुट इट ऑन द स्मूथ सरफेस, डिवाइड द ग्लास स्लाइड इनटू टू पार्ट बाय यूजिंग ए मार्कर पेंसिल एंड मार्क ए एंड बी ऑन द स्लाइड, यानी क्या है, एक आपको सबसे पहले ग्लास स्लाइड लेनी है जिसको कहाँ पे रखना है, स्मूथ सरफेस पे यानी फ्लैट सरफेस पे, और जिसके ऊपर दो मार्किंग करनी है, ए और बी को स्लाइड के अंदर डिवाइड, स्लाइड को ए और बी पोर्शन में डिवाइड करना है। नेक्स्ट टेक ए ड्रॉप ऑफ एंटी सिरा ए ऑन द पार्ट ऑफ ए स्लाइड एंड ड्रॉप ऑफ एंटी सिरा बी ऑन द बी पार्ट ऑफ स्लाइड, यानी ए जो एंटी सिरा एंटीबॉडी ए है जो प्रिपेयर है आपको ए पोर्शन में डालनी है स्लाइड के, और बी जो एंटी सिरा है वो कहाँ पे डालनी है, बी पोर्शन में डालनी है, कहाँ पे, स्लाइड के ऊपर, यानी स्लाइड को दो पार्ट में डिवाइड किया आपने ए और बी, ए पार्ट में तो ए एंटी सिरा डालनी है और बी पार्ट में बी एंटी सिरा डालनी है। नेक्स्ट एड वन ड्रॉप ऑफ 10% सेल सस्पेंशन ऑन ईच पार्ट ऑफ स्लाइड, मिक्स द सेल विद कोरिस्पोंडिंग एंटीबॉडी, और क्या है 10% जो सेल सस्पेंशन प्रिपेयर किया है यानी ब्लड को 10% किसमें मिक्स किया, नॉन बल्क सेलाइन में मिक्स किया, वो जो सेल सस्पेंशन है वो कोरिस्पोंडिंग एंटीबॉडीज के साथ आपको मिक्स करना है, यानी एक एक ड्रॉप क्या है आपको दोनों पोर्शन में डाल देनी है एंटीबॉडी के। नेक्स्ट स्प्रेड इट फ्रॉम 20 mm सर्कल, और ये जो आपने क्या है एंटीबॉडीज और एंटीजन जो डाले हैं उसको क्या है 20 mm के सर्कल में स्प्रेड कर देना है, फैला देना है। नेक्स्ट लीव द टेस्ट स्लाइड फॉर 1 to 2 minutes एट रूम टेम्परेचर, और ये जो स्लाइड है उसको क्या है 1 to 2 minutes के लिए रूम टेम्परेचर के ऊपर छोड़ देना है। लुक फॉर एग्लूटिनेशन एंड प्रोटेक्ट द स्लाइड फ्रॉम ड्राई, और इस जो स्लाइड है उसको क्या है कि क्या है 1 to 2 minutes के लिए छोड़ देना है, और क्या है एग्लूटिनेशन के लिए उसका एग्जामिनेशन करना है कि उसके अंदर क्लोटिंग आती है नहीं होती है, और स्लाइड को ड्राई यानी सूखने से बचाना है। नीचे आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं कि स्लाइड के किस तरीके स्लाइड को किस तरीके से अपन क्या है
ए और बी पोर्शन के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, यानी मार्किंग कर सकते हैं बीच में ए और बी की। यानी ए एंटीजन प्रेजेंट होगा तो ए ब्लड ग्रुप, बी एंटीजन प्रेजेंट होगा तो बी ब्लड ग्रुप, और ए और बी दोनों प्रेजेंट होगा तो ए बी, और दोनों एबसेंट होंगे तो ओ ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट देखिए कि एक डायग्राम में क्या है, एक तो एक एक ड्रॉप तो क्या डाली है ब्लड ग्रुप की, यानी क्या जिस पेशेंट का ब्लड डिटेक्ट करना है उसकी ब्लड की डाली है एक एक ड्रॉप। और दूसरा क्या है, ब्लू कलर जो है वो किसका है, ए एंटी सिरा का, और दूसरा येलो कलर जो किसका है, बी एंटी सिरा का। दोनों क्या है, डाल दिए स्लाइड के ऊपर, स्लाइड को डिवाइड कर दिया है। फिर क्या है, दोनों को मिक्स करते हैं अपन मिक्सिंग स्टिक की हेल्प से, और फिर क्या है ऑब्जर्व करते हैं एक मिनट के बाद में। नेगेटिव रिजल्ट के अंदर क्या है, कोई भी क्लोटिंग शो नहीं होती, और पॉजिटिव रिजल्ट के अंदर क्या है, क्लंपिंग शो होती है। अगर ग्रुपिंग का रिजल्ट देखें तो ये अगर ए ब्लड ग्रुप है तो ए एंटी सिरा के साथ क्लोटिंग शो होगी, बी के साथ क्लोटिंग नहीं होगी। बी एंटी सिरा के साथ अगर क्लोटिंग देखे, यानी ब्लड ग्रुप क्या है बी है, तो बी के साथ क्लोटिंग शो होगी, ए के साथ नहीं होगी। अगर ए बी, ए ब्लड ग्रुप का टाइप क्या है ए बी, ब्लड ग्रुप के अंदर ए और बी दोनों स्लाइड के साथ क्लोटिंग शो होगी। और ओ ब्लड ग्रुप के अंदर क्या होगा कि ए और बी क्या है, दोनों ही एंटीजन के साथ क्लोटिंग शो नहीं होगी। नेक्स्ट मेथड अपना कौन सा काम में लेते हैं फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग के अंदर, ट्यूब मेथड। ट्यूब मेथड के अंदर देखिए, टेक ब्लड सैंपल ऑफ पेशेंट, यानी पेशेंट का क्या लेते हैं, सबसे पहले ब्लड सैंपल लेते हैं, फिर क्या करते हैं, प्रिपेयर 5% सस्पेंशन ऑफ फर्स्ट ब्लड सैंपल इन द नॉर्मल सेलाइन। सबसे पहले क्या है, ब्लड सैंपल का सेल सस्पेंशन तैयार करते हैं नॉर्मल सेलाइन के अंदर कितने परसेंट, 5%, यानी क्या है 95% तो क्या लेना है नॉर्मल सेलाइन, और 5% क्या लेनी है उसमें रेड ब्लड सेल लेनी है। नेक्स्ट, टेक दैट टू टेस्ट ट्यूब लेबल देम ए एंड बी। फिर क्या है, दो टेस्ट ट्यूब लेनी है जिनको लेबल करना है आपको ए और बी के रूप में। नेक्स्ट, एड टू ड्रॉप्स ऑफ एंटी सिरा ए एंड बी इन ईच ट्यूब। फिर क्या है, आपको दो दो ड्रॉप एड करनी है एंटी सिरा ए और बी की, यानी ए एंटी सिरा की किस ड्रॉप किस लाइट टेस्ट ट्यूब में डालनी, ए टेस्ट ट्यूब में, और बी जो एंटी सिरा है उसकी दो ड्रॉप किसमें डालनी है आपको, बी टेस्ट ट्यूब में डालनी है। नेक्स्ट, एड वन ड्रॉप ऑफ 5% ऑफ सेल सस्पेंशन ब्लड इन द ईच टेस्ट ट्यूब। फिर क्या करना है कि एक ड्रॉप आपको सेल सस्पेंशन की किसमें डालनी है, यानी जो 5% सेल सस्पेंशन आपने तैयार किया था उस ब्लड की किसके अंदर डालनी, टेस्ट ट्यूब के डालनी है, दोनों टेस्ट ट्यूब में डालनी है आपको, एक ड्रॉप डालनी है। तो यानी 2:1 क्या हो गया, 1 हो गया, यानी दो तो ड्रॉप्स है वो किसकी होगी, क्या है एंटी सिरा की होगी, और एक ड्रॉप किसकी होगी जो ब्लड सस्पेंशन हो गया, यानी जिस पेशेंट का आपको ब्लड ग्रुप डिटेक्ट करना है। नेक्स्ट, मिक्स वेल एंड सेंट्रीफ्यूज एट 50,000 आरपीएम फॉर 1,050 आरपीएम फॉर 1 मिनट एंड ऑब्जर्व फॉर हिमोलाइसिस एंड एग्लूटिनेशन। कि मिक्स वेल आप के अच्छे तरीके से मिक्स करना है दोनों टेस्ट ट्यूब को, फिर क्या करना है कि उसको सेंट्रीफ्यूज करना है, कितने आरपीएम पे, 1500 आरपीएम पे क्या है सेंट्रीफ्यूज करना है, यानी 1500 आरपीएम पे क्या है एक मिनट के लिए सेंट्रीफ्यूज करना है। एंड ऑब्जर्व फॉर हिमोलाइसिस एंड एग्लूटिनेशन। फिर क्या है, ए और बी दोनों टेस्ट ट्यूब है उनको क्या है हिमोलाइसिस और एग्लूटिनेशन के लिए ऑब्जर्व करना है, फिर उनमें क्लॉम्पिंग शो हो रही है नहीं हो रही। नेक्स्ट देखिए, कंफर्म नेगेटिव रिजल्ट अंडर द माइक्रोस्कोप, यानी जो नेगेटिव रिजल्ट है उसको क्या है माइक्रोस्कोपी के अंदर अपन क्या है कंफर्म करते हैं। यानी पेशेंट की जो देखे नीचे डायग्राम के अंदर आप देख रहे हो, सबसे पहले तो क्या डालना है आपको, क्या है कि एक एंटी सिरा की दो ड्रॉप डालनी है, साइड में लिखा एंटी सिरा ए, दो टेस्ट ली इसके ऊपर मार्क किया एंटी ए और एंटी बी। फिर क्या कर रहा है उसमें एक में डालनी है एंटी सिरा ए डालनी है, और दूसरे के अंदर क्या डालनी है एंटी सिरा बी डालनी है, दोनों की दो दो ड्रॉप डाल देनी है। फिर क्या डालना है आपको, पेशेंट की आरबीसी डालनी है, साइड में लिखा है पेशेंट आरबीसी, दोनों स्लाइड के अंदर एक एक ड्रॉप
फिर क्या है उसको मिक्स करना है, और मिक्स करने के बाद क्या है माइक्रोस्कोप के ऊपर रिजल्ट के लिए ऑब्जर्व करना है, ताकि कंफर्म जो रिजल्ट है वो आपके पास आ चुके आ सके। देखिए नेक्स्ट क्या है कि अपन क्या है फॉरवर्ड ब्लड ग्रुपिंग के अंदर क्या क्या काम में लेते हैं। एक तो क्या लेते हैं एंटी सीरा को काम में लेते हैं, दूसरा जो एरिथ्रोसाइट जिनको टेस्ट करना है ब्लड ग्रुपिंग के अंदर, तीसरा टेस्ट ट्यूब को काम में लेते हैं जो क्या है प्लास्टिक की ट्यूब्स होती है, पिपेट को काम में लेते हैं जो ब्लड सैंपल को ट्रांसफ्यूज करती है, ठीक है स्लाइड रैक को काम में लेते हैं जो क्या है स्लाइड यानी स्लाइड रैक को या टेस्ट ट्यूब रैक को काम में लेते हैं जो टेस्ट ट्यूब को स्टैंड करने के अंदर हेल्प करती है, और लास्ट के अंदर क्या है सेल वॉश सेंट्रीफ्यूज यानी सेंट्रीफ्यूजेशन जो मशीन है उसको भी काम में लेते हैं क्या है ब्लड ट्यूब टेस्ट ट्यूब को क्या है सेंट्रीफ्यूज करने के लिए। नेक्स्ट देखिए रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग, रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग क्या काम में लेते हैं अपन टेस्ट ट्यूब मेथड को अगर देखें तो प्रिपेयर द 5% सेल सस्पेंशन ऑफ ए एंटीजन सेल एंड बी एंटीजन। सीधी सी बात है रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग का मतलब क्या है, जिसका रिजल्ट क्या हो उल्टा हो रिवर्स हो, यानी अगर ए के अंदर क्लोटिंग आ रही तो ब्लड ग्रुप क्या होगा बी होगा, अगर बी के अंदर क्लोटिंग आ रही है तो ब्लड ग्रुप क्या होगा ए होगा, अगर ए और बी के अंदर दोनों के अंदर क्लोटिंग आ रही तो ब्लड ग्रुप क्या होगा ओ होगा, अगर दोनों के अंदर ही नहीं आ रही तो क्या होगा ए बी होगा। तो रिवर्स का मतलब है उल्टा, जिसका रिजल्ट क्या है उल्टा है। तो टेस्ट ट्यूब के अंदर अपने को सबसे पहले क्या लेते हैं रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग अपन किसकी हेल्प से करते हैं, सीरम की हेल्प से करते हैं, यानी पेशेंट की क्या लेते हैं जिसका ब्लड ग्रुप डिटेक्ट करना है उसकी एंटीबॉडीज को काम में लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या करना है प्रिपेयर द 5% सेल सस्पेंशन ऑफ ए एंटीजन एंड बी एंटीजन सेल। अब क्या है सबसे पहले तो ए सेल एंटीजन को तैयार करना है और बी सेल एंटीजन को तैयार करना है, ताकि एंटीबॉडीज को क्या है आप डिटेक्ट कर सको, यानी कोई भी फ्रेशली प्रिपेयर नॉर्मल जो अडल्ट हैं उनके ब्लड को कलेक्ट करना है जिनका ए ब्लड ग्रुप है जिसका बी ब्लड ग्रुप है, और उनके क्या है आरबीसी को सेंट्रीफ्यूज करके उनके एंटीजन सेल को तैयार कर लेना है। नेक्स्ट टू टेस्ट ट्यूब एंड लेबल विद हेल्प ऑफ मार्कर एंड पेल्सिन ए सेल एंड बी सेल। फिर क्या है आपको दो टेस्ट ट्यूब लेनी है जिनको मार्कर या पेंसिल के हेल्प से क्या है मार्क करना है ए सेल और बी सेल। नेक्स्ट एड द टू ड्रॉप्स ऑफ सेल सस्पेंशन। फिर क्या है आपको जो पेशेंट का ब्लड है यानी जो प्रिपेयर किया है सॉरी जो आपने क्या है प्रिपेयर किया है एंटीजन प्रिपेयर किया है उनको क्या करना है उनकी दो दो ड्रॉप्स क्या है पेशेंट की जो टेस्ट ट्यूब आपने प्रिपेयर किया है दो उनके अंदर प्रत्येक के अंदर क्या है दो दो ड्रॉप डाल देनी है। नेक्स्ट एड वन ड्रॉप ऑफ सीरम इन ए टेस्ट ट्यूब, ए टेस्ट ट्यूब एंड बी ट्यूब। फिर क्या है एक एक ड्रॉप आपको क्या है प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में डाल देनी है, यानी जिस पेशेंट का आपको क्या है ब्लड ग्रुप डिटेक्ट करना है उसके सीरम की एक एक ड्रॉप क्या है एक तो ए टेस्ट ट्यूब में डालनी है एक बी टेस्ट ट्यूब में डालनी है। ए टेस्ट ट्यूब में पहले क्या है दो ड्रॉप प्रेजेंट थी ए एंटीजन की, और बी टेस्ट ट्यूब में क्या प्रेजेंट थी दो ड्रॉप पहले के बी एंटीजन की। नेक्स्ट सेंट्रीफ्यूज टेस्ट ट्यूब एट 1500 आरपीएम फॉर 1 मिनट। फिर क्या है आपको क्या है सेंट्रीफ्यूज करना दोनों टेस्ट ट्यूब को ए और बी को 1500 आरपीएम के लिए 1 मिनट के लिए। नेगेटिव रिजल्ट शुड बी चेक बाय माइक्रोस्कोप, और जो नेगेटिव रिजल्ट आएगा यानी जिसमें क्लंपिंग शो नहीं होगी उसको क्या है माइक्रोस्कोप के द्वारा चेक करना है। तो टेस्ट ट्यूब मेथड में देखिए जिसके अंदर सबसे पहले क्या है आपको सेल सस्पेंशन तैयार करना है एंटीजन का ए और बी एंटीजन का। फिर क्या है आपको दो टेस्ट ट्यूब लेनी है जिनको मार्क करना है ए सेल और बी सेल के रूप में। फिर क्या है दोनों टेस्ट ट्यूब में एक में क्या है दो ड्रॉप डालनी है ए एंटीजन की, दूसरी टेस्ट ट्यूब में क्या है बी टेस्ट ट्यूब में क्या डालनी है बी एंटीजन की दो ड्रॉप डालनी है। फिर क्या है सीरम डालना है पेशेंट का जिसका ब्लड ग्रुप डिटेक्ट करना है, यानी सीरम के अंदर क्या होती है एंटीबॉडीज, फिर एंटीबॉडीज क्या होती है रिवर्स होती है ब्लड ग्रुप के। तो क्या है दोनों ए और बी टेस्ट ट्यूब में सीरम की प्रत्येक एक एक ड्रॉप डाल एक एक ड्रॉप क्या है आपको डाल देनी है। फिर जो टेस्ट ट्यूब उनको क्या है 1500 आरपीएम के ऊपर सेंट्रीफ्यूज करना है कितने मिनट के लिए 1 मिनट के लिए, और जो नेगेटिव रिजल्ट है उसको क्या है माइक्रोस्कोप के द्वारा अपन चेक करेंगे।
नेक्स्ट देखिए रिजल्ट, रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग, और रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग के क्या अपन रिजल्ट देखेंगे, जिसका क्या है रिएक्शन पैटर्न फॉर एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर अगर अपन रिजल्ट देखें तो ब्लड ग्रुप का टाइप क्या है, ए है। अगर क्या है आपने उसको ए सेल एंटीजन के साथ रिएक्ट करवाया था तो आपको पता है अगर ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन क्या होगा, ए होगा, यानी एंटीबॉडी ए है जो अब्सेंट होगी। तो आपने क्या है जिस पेशेंट का ब्लड ग्रुप डिटेक्ट करना है उसके अंदर एंटीबॉडीज क्या है ए अब्सेंट होगी, तो क्या है वो ए एंटीबॉडी के साथ कोई भी रिएक्शन नहीं करेगा। फिर क्या है एग्लूटिनेशन विद बी सेल, और क्या है आपको पता है कि आपके अंदर यानी जिस पेशेंट का ब्लड ग्रुप जिसका ए ब्लड ग्रुप है उसके अंदर पेशेंट के अंदर क्या है कि एंटीबॉडीज क्या प्रेजेंट होगी बी के लिए प्रेजेंट होगी। तो वो जैसे बी सेल को डिटेक्ट करेगा, बी एंटीजन को डिटेक्ट करेगा, वो क्या है क्लम्पिनेशन यानी क्लम्पिंग क्या है शो करेगा, यानी ब्लड क्लोटेशन क्या है शो करेगा, ब्लड क्लोटिंग शो करेगा। अगर ब्लड ग्रुप क्या है बी है तो क्या है वो जिसका ब्लड ग्रुप क्या है बी है तो क्या है उस पेशेंट के अंदर एंटीबॉडीज क्या होगी बी होगी, सॉरी उस पेशेंट के अंदर एंटीबॉडीज क्या होगी ए होगी। ठीक है, क्योंकि एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी क्या होगी बी होगी। तो वो कैसी सेल के साथ रिएक्ट करेगा, ए सेल के साथ रिएक्ट करेगा, फिर वो ए सेल को क्या है क्लोट कर देगा और बी सेल के साथ कोई भी रिएक्ट नहीं करेगा। तो उसके टाइम पे क्या होगा बी ब्लड ग्रुपिंग होगी। अगर जिसके अंदर क्या है जिसका ब्लड ग्रुप क्या है ए और बी है तो एंटीबॉडीज क्या है ए और बी दोनों ही अब्सेंट रहती है, क्योंकि एंटीजन क्या है ए और बी दोनों प्रेजेंट रहते हैं। तो वो ए और बी दोनों एंटीजन सेल है उनके साथ कोई भी रिएक्शन शो नहीं करेगा। नेक्स्ट है ओ ब्लड ग्रुपिंग। ओ ब्लड ग्रुपिंग में क्या होता है कि एंटीबॉडीज क्या है पेशेंट के अंदर ए और बी दोनों प्रकार की एंटीबॉडीज अब प्रेजेंट रहती है, क्योंकि जो ए और बी है एंटीजन क्या है अब्सेंट रहता है, इसीलिए एंटीबॉडीज क्या है ए और बी दोनों प्रेजेंट रहती है। तो वो ए और बी सेल दोनों सेल के साथ क्या रिएक्शन शो करेगा। नेक्स्ट देखिए स्लाइड मेथड ऑफ रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग, यानी स्लाइड मेथड से भी अपन क्या है रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग को कर सकते हैं। इसमें देखिए प्रिपेयर द 5% सेल सस्पेंशन ऑफ ए एंटीजन एंड बी वे एंटीजन। सबसे पहले क्या है कि आपको सेल सस्पेंशन तैयार करना है ए एंटीजन और बी एंटीजन का, यानी जिस पेशेंट का ए ब्लड ग्रुप है उसका क्या है यानी जिस पर्सन का ए ब्लड ग्रुप है वहां से क्या है आरबीसी लेनी है, उनको सेंट्रीफ्यूज करना है और ए सेल तैयार करनी है ए एंटीजन तैयार करना है, और जिस पेशेंट का बी ब्लड ग्रुप है उसका उससे क्या है बी एंटीजन तैयार करना है। क्योंकि स्लाइड रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग में रिजल्ट क्या रहता है उल्टा रहता है, क्योंकि एंटीबॉडीज को क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं पेशेंट की। नेक्स्ट टेक ए क्लीन ग्लास स्लाइड एंड ड्राई ग्लास स्लाइड। सबसे पहले आपको क्या है क्लीन और ड्राई ग्लास स्लाइड को लेना है। नेक्स्ट मार्क ऑन द ग्लास स्लाइड ए एंड बी, फिर क्या आपको ग्लास स्लाइड के ऊपर मार्किंग करनी है ए और बी के रूप। नेक्स्ट टेक टू ड्रॉप्स ऑफ पेशेंट सीरम ऑन द स्लाइड ऑन ईच पार्ट ऑफ ए एंड बी, फिर क्या आपको एक एक ड्रॉप लेनी है पेशेंट के सीरम की जो ए और बी दोनों पोर्शन के ऊपर आपको क्या है डाल लेनी है एक एक ड्रॉप, यानी आपको क्या स्लाइड को दो हिस्से में डिवाइड किया एक और बी सॉरी ए और बी, फिर क्या ए ड्रॉप ए जो पोर्शन है उसके अंदर भी पेशेंट का सीरम डालना है जिसमें एंटीबॉडी प्रेजेंट है, और बी जो पोर्शन है स्लाइड को उसमें भी एंटीबॉडी डालनी है यानी पेशेंट का सीरम डालना है जिसका ब्लड ग्रुप डिटेक्ट करना है। नेक्स्ट एड सेल सस्पेंशन ऑन द स्लाइड, फिर क्या है आपको जो सेल सस्पेंशन आपने प्रिपेयर किया था वो ए पोर्शन में तो क्या डालना है आपको ए एंटीजन डालना है एंड ए पार्ट के अंदर ए एंटीजन सेल टू ए पार्ट यानी ए पार्ट के अंदर तो ए एंटीजन डालना है और बी पार्ट के अंदर आपको क्या डालना है बी एंटीजन डालना है। मिक्स बाय क्लीन मिक्सिंग स्टिक, और फिर क्या है दोनों को मिक्सिंग स्टिक के द्वारा मिक्स कर देना है। तो शुरू से देखिए सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि 5% सेल सस्पेंशन तैयार करना है ए एंटीजन और बी एंटीजन सेल का, फिर क्या है आपको एक क्लीन ग्लास स्लाइड लेनी है उस स्लाइड के ऊपर मार्किंग करनी है उसको दो हिस्सों के अंदर डिवाइड करना है ए स्लाइड और बी स्लाइड, फिर क्या करना है उस दोनों स्लाइड के ऊपर
जहां पे क्या है, ए पोर्शन है और बी पोर्शन है, उन दोनों के अंदर जिस पेशेंट का ब्लड ग्रुप डिटेक्ट करना है उसके क्या है, सीरम डालना है, यानी जिसके अंदर एंटीबॉडी प्रेजेंट ओनली। फिर क्या करना है आपको, फिर क्या, जो एंटीजन आपने प्रिपेयर किए थे, सेल सस्पेंशन प्रिपेयर किया था ए और बी, वो दोनों ही क्या है ए और बी पार्ट के अंदर डाल देना है। फिर उन दोनों को क्या है, मिक्सिंग स्टिक की हेल्प से मिक्स करना है अच्छे तरीके से। बाद आपको क्या करना है, वेट फॉर 1 to 2 minutes फॉर रिजल्ट, यानी रिजल्ट के लिए आपको क्या है 1 से 2 मिनट के लिए वेट करना है कि एग्लूटिनेशन हो रही है या नहीं हो रही है। ऑब्जर्व द स्लाइड फॉर एग्लूटिनेशन, यानी एग्लूटिनेशन के लिए क्या है आपको स्लाइड को ऑब्जर्व करना है। नेगेटिव रिजल्ट चेक बाय माइक्रोस्कोप, और जो नेगेटिव रिजल्ट आ रहा है यानी जिसके अंदर क्लॉटिंग नहीं आ रही उसको माइक्रोस्कोप के द्वारा अच्छे तरीके से चेक करना है। तो रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग के अंदर अगर अपन स्लाइड के अंदर देखें तो आपने सबसे पहले स्लाइड को 2 पोर्शन में डिवाइड किया था ए और बी, फिर क्या है पेशेंट की सीरम डाला था यानी जिसके अंदर क्या है एंटीबॉडी प्रेजेंट है ए और बी। तो अगर क्या है जिसका ब्लड ग्रुप टाइप क्या है ए है, तो वो क्या है ए एंटीबॉडी के साथ रिजेक्शन नहीं शो करेगा, क्योंकि एंटीजन क्या है ए है, तो दूसरा क्या है वो क्या है बी एंटीजन के साथ रिजेक्शन शो करेगा। दूसरा क्या है रिएक्शन पैटर्न फॉर ए बी ओ ब्लड ग्रुप, अगर क्या है किसी का ब्लड ग्रुप क्या है बी है तो उसके अंदर एंटीबॉडी क्या होगी ए होगी, तो वो क्या है कि ए जो सेल्स डाली आपने एंटीजन सेल्स डाली है उनके अंदर क्या करेगा ए सेल्स के साथ साथ क्लंपिंग शो करेगा, तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा बी होगा। तीसरा देखिए, अगर किसी का ब्लड ग्रुप क्या है ए और बी है तो वो क्या है ए और बी सेल्स जो है क्योंकि उसमें एंटीबॉडीज क्या होंगी एबसेंट होगी, क्योंकि ए और बी दोनों एंटीजन होते हैं, तो वो क्या है ए और बी सेल जो दोनों एंटीजन आपने प्रिपेयर किए तो उन दोनों के साथ ही रिएक्शन शो नहीं करेगा क्योंकि उसमें एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट क्या है ओ ब्लड ग्रुप है, उसमें क्या है कि एंटीबॉडीज कैसी प्रेजेंट होती है, एंटीबॉडीज क्या प्रेजेंट होती है उसमें ओ ब्लड ग्रुप के अंदर कि दोनों प्रेजेंट होती है ए और बी, तो वो क्या है कि दोनों के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा, यानी ए एग्लूटिनेशन के साथ भी रिएक्शन नहीं करेगा और बी के साथ भी रिएक्शन, सॉरी ए के साथ भी रिएक्शन करेगा और बी के साथ भी रिएक्शन करेगा, इसलिए क्या है उसका ओ ब्लड ग्रुप प्रेजेंट होता है, यानी ओ के साथ भी रिएक्ट करेगा और बी के साथ भी रिएक्ट करेगा। तो ओ के अंदर क्या है एंटीजन ना तो ए प्रेजेंट होता ना बी प्रेजेंट होता, तो एंटीबॉडी क्या है दोनों प्रेजेंट होती है ए और बी, तो जैसे ही आपने ए सेल सस्पेंशन डाला है स्लाइड में तो उसको भी क्लोट कर देगा और बी सेल सस्पेंशन डाला यानी बी एंटीजन डाला तो एंटीबॉडी बी भी प्रेजेंट है उसको भी क्लोट कर देगा, तो आपको ब्लड ग्रुप कैसा मिलेगा ओ ब्लड ग्रुप मिलेगा।